साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे एम गार्गल। साथियों एम गार्गल एक ब्रांड है, ये गार्गल है जिसका नाम है AMGARGLE। एम गार्गल जो है साथियों NRI विजन केयर इंडिया लिमिटेड। एम गार्गल एक माउथ वॉश है साथियों, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन के बारे में जानेंगे कि एम गार्गल है क्या, साथ ही साथ इसके इम्पॉर्टेंट यूजेस की बात करेंगे, साइड इफेक्ट की एंड हाउ टू वर्क एम गार्गल और इसको इस्तेमाल कैसे करना है इसके बारे में बात करना है। साथ ही साथ वार्निंग एंड प्रिकॉशन की बात करेंगे, इंट्रैक्शन की बात करेंगे साथियों, ब्रांड्स की बात करेंगे। तो साथियों एम गार्गल साथियों क्या है, जो इसका कंपोजिशन है, जो इसका इन्ग्रीडियंट है, इसमें पोविडॉन आयोडीन जर्मिसाइडल गार्गल है। साथियों जो बीटाडीन का फार्मूला होता है वही है, बट ये माउथ वॉश में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथियों एम गार्गल पोविडॉन आयोडीन जर्मिसाइडल एंटीसेप्टिक है, जिसमें 2% वेट बाय वॉल्यूम इसमें जो है मिला हुआ है। साथियों ये इसका कंपोजिशन है। साथियों दिस इज एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट एजेंट है, जो कि दैट इज यूज फॉर माउथ वॉश टू किल्स द जर्म्स एंड काज इन्फेक्शन ऑफ द माउथ। साथियों क्या होता है कि जो माउथ में जो है जर्म्स हो जाते हैं, उसकी वजह से जो मतलब इन्फेक्शन होता है उसको रोकने के लिए इसका जो है माउथ वॉश का इस्तेमाल किया जाता है, और ये क्या करता है जर्म्स को किल कर देता है। इट आल्सो रिलीव्स ड्राइनेस ऑफ माउथ एंड सोर थ्रॉट। साथियों क्या होता है कि गले में जो खराश हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है, और जो थ्रॉट हो जाता है, गले में चोंक हो जाता है, उसको भी ये ठीक करता है, क्योंकि जर्मिसाइडल को किल करता है और उसको क्लीन करता है। साथियों एम गार्गल हेल्प्स टू ट्रीट इन्फेक्शन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द माउथ और थ्रॉट। साथियों क्या होता है किसी तरह का इन्फेक्शन होता है, माउथ और थ्रॉट में लाइनिंग होती है, जैसे सच है जिंजिवाइटिस हो जाती है, मुंह में छाले हो जाते हैं, मुंह में घाव हो जाता है, माउथ अल्सर हो जाते हैं। इट मे आल्सो यूज टू मेंटेन ओरल हाइजीन बिफोर एंड ड्यूरिंग। साथियों क्या होता है कि आफ्टर एंड ओरल सर्जरी, जैसे क्या होता है डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो क्या करते हैं कि एम गार्गल जो है कहते हैं कि इसको करने से क्या होता है कि जो स्मेल है वो नहीं आती है, साथ ही साथ क्या होता है जर्म्स जो है वो ख़त्म कर देता है, ये किल्स कर देता है। तो बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी जो है, पहले और बाद में ये जो है माउथ वॉश का इस्तेमाल किया जाता है। साथियों इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे। साथियों जैसा कि बताया है एम गार्गल जो है बहुत ही अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट है, NRI विजन हेल्थ केयर लिमिटेड दिल्ली की कंपनी है, जो कि ऑथल्मिक प्रोडक्ट भी बनाती है, जिसके आई ड्रॉप वगैरह सब आते हैं, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज है, इस तरह के बहुत से ब्रांडेड आते हैं उसका है। साथियों ये हमारे पास जो प्रोडक्ट है ये 50 ml का है। साथियों मार्केट में 50 ml का अवेलेबल है, जिसकी MRP 70 rupees है, और मेडिकल स्टोर पर ईजिली से मिल जाएगा एम गार्गल के नाम से। साथियों ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो जैसा कि अभी हमने बताया कि माउथ में जो इन्फेक्शन होता है उसको रोकने के लिए इसका मतलब यूज किया जाता है। साथ ही साथ क्या होता है कि सोर थ्रॉट हो जाता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है, एंड ड्राई माउथ हो जाता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है, जिंजिवाइटिस हो जाती है उसमें, और क्या होता है मुंह के अंदर घाव हो जाते हैं, फेरेंजाइटिस हो जाती है, मतलब फेरिंग्स होते हैं उसमें जो है क्या होता है सूजन हो जाती है इन्फेक्शन की वजह से, जम्स की वजह से, और मिक्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, तो उनको क्या करता है उनकी ग्रोथ को इनहेबिट कर देता है और किल कर देता है। टॉन्सिल्स होते हैं, टॉन्सिलाइटिस हो जाती है, सूजन हो जाती है टॉन्सिल्स में, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथियों इसमें लिखा भी है साथियों जैसा कि इंडिकेशंस फॉर इन्फेक्टेड इन्फ्लामेटरी कंडीशंस ऑफ द माउथ, फेरेंस काजेज द बैक्टीरिया एंड मोनिलियल इन्फेक्शन सच एज टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, फेरेंजाइटिस हो जाता है, और स्टोमेटाइटिस उसमें इसमें इस्तेमाल किया जाता है, एंड ट्रोमैटिक अल्सर में इस्तेमाल किया जाता है, और डेंटल सर्जरी में इसका उपयोग किया जाता है। साथियों एक हिडन इसका जो है यूजेस बताऊंगा, जो कोविड का दौर था उसमें क्या होता था कि माउथ में जैसे कोरोना का मतलब लक्षण या इस तरह से होते थे, तो उसमें क्या होता था कि गले में या किसी तरह का जैसे वो मतलब COVID-19 वायरस ना चला जाए, तो उसके केस में क्या होता था डॉक्टर इसको रिकमेंड करते थे कि एम गार्गल जो है मॉर्निंग एंड इवनिंग जो है इसको विद वाटर जो है करना है, और उससे क्या होता था कि मतलब कोरोना होने के चांस कम हो जाते थे।
साथियों ये तो यूजेस हो गया, जैसा कि जिंजिवाइटिस में इस्तेमाल किया जाता है, संक्षिप्त में एक बार और बताऊंगा, मुंह में अल्सर हो जाता है उसमें, एंड फेरेंजाइटिस में इस्तेमाल किया जाता है, टॉन्सिलाइटिस में इस्तेमाल किया जाता है, और कॉमन कोल्ड जब हो जाता है, इन्फ्लुएंजा हो जाता है उसमें इसका इस्तेमाल होता है, एंड प्री एंड पोस्ट डेंटल सर्जरी होती है उसमें डेंटिस्ट इसको जो है रिकमेंड करते हैं। साथियों साइड इफेक्ट की बात करूंगा तो इसके बहुत ही रेयर साइड इफेक्ट होते हैं, तो कभी कभी किसी किसी मरीज को क्या होता है, इरिटेशन होने लगती है, स्वेलिंग हो जाती है, रेडिनेस एंड अर्टिकेरिया होने के चांस होते हैं, ऐसे केस में इसका सेवन बंद कर दें, अदरवाइज नहीं होता है। साथियों हाउ टू यूज एम गार्गल, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, साथियों इसका जो है इसके बारे में बात करेंगे। दिस मेडिसन इज यूज फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, ये क्या होता है एक्सटर्नल यूज किया जाता है, किसी तरह से क्या है जैसे मुंह में कुल्ली करते हैं वाटर के साथ करके और बाहर निकाल देते हैं, लेकिन इसको इंटरनल इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये क्या होता है माउथ में इस्तेमाल किया जाता है, ये जैसे माउथ में एटलीस्ट 30 सेकेंड तक मुंह में रखने के बाद और इसको स्पिट कर देते हैं, तो या तो जो है जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको साथ जितना गार्गल लेते हैं उतना ही वाटर एड करते हैं, अदरवाइज एडल्ट पर्सन विद वाटर भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। इसको ओरली रिंज करना है, क्या होता है माउथ में जो है इसको लेना है 1 स्पून तक, और उसके बाद जो है 30 सेकेंड तक मुंह में रखना है और फिर उसको जो है बाहर स्पिट कर देना है, थूक देना है, ऐसे इसका इस्तेमाल करना है आफ्टर ब्रश। साथियों ये यूज कैसे, ये वर्क कैसे बॉडी में करता है, हाउ टू वर्क एम गार्गल्स, तो ये क्या होता है एम गार्गल जो है साथियों ये एंटीसेप्टिक मेडिसन है, जैसा कि अभी डिस्क्रिप्शन में बताया है, साथ ही साथ इट इज यूज्ड एज ए माउथ वॉश, और ये क्या होता है इट किल्स द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ योर माउथ, और ये क्या करता है मुंह के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको मार देता है, एंड दिस इज हाउ इट वर्क टू प्रिवेंट एंड ट्रीट द इन्फेक्शन, और ये क्या करता है इसी तरह से ट्रीट जो है करता है, क्या करता है उसमें साथियों जो है मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जर्म्स होते हैं उनको किल कर देता है, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, और उससे क्या होता है कि जो दांतों की सड़न है या किसी तरह से कैविटी है, अल्सर है, फेरेंजाइटिस है, वो सभी ठीक हो जाते हैं। साथियों प्रिकॉशन एंड वार्निंग की बात करेंगे तो साथियों क्या होता है कि पोविडोन से ग्रुप से अगर किसी को एलर्जी है तो उसको जो है हाइपर सेंसिटिविटी है तो उनको इस्तेमाल नहीं करना है, साथ ही साथ जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। साथियों इंट्रक्शन की बात करेंगे तो मतलब साथियों जो लिथियम मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं या मेडिसिन यूज टू बी ट्रीट डिप्रेशन, और डिप्रेशन की अगर कोई दवाई खाता है ऐसे केस में इस गार्गल का इस्तेमाल नहीं करना है। साथियों ब्रांड्स की बात करेंगे तो मार्केट में बहुत से ब्रांड हैं, जैसे कि बीटा काइंड है, बहुत फेमस ब्रांड है, मैनकाइंड का है, साथ ही साथ एम गार्गल है जो कि NRI विजन का है, और साथियों इस तरह से बहुत से जो है गार्गल आपको मिलेंगे। साथियों इन केस आपको इस सेम नेम से नहीं मिलता है तो इसका कंपोजिशन आपको बताने से आसानी से मिल जाएगा, पोविडॉन आयोडीन माउथ वॉश या माउथ गार्गल या जर्मिसाइडल गार्गल इसके नाम से आपको मिल जाएगा। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे, किसी तरह की क्वेरी है आप हमें जरूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।